सब्सक्राइब करें सुपर टीवी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाह, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ जाएगा बेल आइकन, उसको लाजमी दबाएँ। तो दोस्तों ये गाय लेके आए हैं, प्योर फ्रीजन नस्ल की गाय है ये। इसका चड्डा चेक कर लें माशाल्लाह, और गाय का कद काट चेक कर लें, बड़े कद काट की बड़े लान वाली माशाल्लाह गाय है। चड्डा भी चेक कर लें, और सोने पे सुहागा ये है कि ये गाय पैलन है, इस तरह का चड्डा होता नहीं है पैलन गाय का। ये चेक कर लें, पैलन गाय है माशाल्लाह। इसके थन चेक कर लें और चड्डा देख लें। अभी तकरीबन 8 से 10 दिन तक ये डिलीवर करेगी माशाल्लाह। गाय बड़ी गाय है, बड़े कद काट में गाय है। और लोकेशन बता दें कि खुशाब सिटी नासर भाई के पास ये गाय खड़ी है। अगर किसी भाई को पसंद आ जाए तो आप नासर भाई के साथ रابطہ करें, मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। बड़ी गाय है माशाल्लाह, बड़े दूध वाली गाय है। वैसे भी इम्पोर्टेड फ्रीजन कहते हैं कि फ्रीजन नस्ल की गाय है, यानी कि दूध वाली है। दूध इंशाल्लाह बहुत अच्छी मकदार आएगी। पैलन है ये, अभी सूएगी तो फिर इसका फाइनल पता चलेगा। तो बकाया किस्मत होती है हर बंदे की। जो इसकी डिमांड कर रहे हैं नासर भाई वो है 3,40,000 रुपया। हल्की फुल्की गुंजाइश होती है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये जानवर जो हैं ये बड़े महंगे हैं। दूध की फैक्ट्रियाँ हैं माशाल्लाह, दूध भी बहुत होता है इनके नीचे। गाय का प्रिंट चेक कर लें और इसका चड्डा छड़ा चेक कर लें, गाय का दर्शन इधर करें और प्राइस नासर भाई के साथ करें। जो भी आपका तय होता है, पूरे मुल्क में कार्गो भेज रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर आप किसी भी सिटी से हों आपको होम डिलीवरी मिलेगी। गाय का कद चेक करें पहले नंबर पे, ये पिकअप में आने वाली गाय नहीं है, बड़ी गाय है माशाल्लाह। लंबी भी है, ऊंची भी है, कद काठ में भी फिट फाट है गाय। ये चड्डा चेक कर लें, पैलन है इसी वजह से इसके ये थन जो है इस तरह है। ये इंशाल्लाह दूसरी बार बिल्कुल फिट हो जाएगा और दूसरी बार ये चड्डा भी अच्छा बनाएगी। दोस्तों गाय अच्छी लगे तो लाइक तो लाजमी करें, गाय तो अच्छी है माशाल्लाह। और कॉमेंट बॉक्स में रेट इसका बताएँ आप।